नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती लेटेस्ट अपडेट। जी हाँ दोस्तों, 18 फरवरी 2020 की पूरी कोर्ट अपडेट हम देखने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों इस समय की एक बड़ी अपडेट आ रही है कि बिना कुछ बोले जज साहब उठकर चले गए। जी हाँ दोस्तों, अभी की पूरी कोर्ट अपडेट देखे दोस्तों, जो अभी 12:30 बजे आपकी केस की सुनवाई शुरू हुई थी, तो केस में आखिर क्या हुआ, तो चलिए दोस्तों केस की पूरी सुनवाई देखते हैं। सबसे पहले आज आपका केस की सुनवाई शुरू होती है, फिर मिश्रा जी अपनी शेष बहस पूरी कर रहे हैं। तो दोस्तों लाइव कोर्ट अपडेट के लिए हमने आपको कमेंट बॉक्स में एक लिंक भी दे रखा है। अगर आपको दोस्तों इस समय देखना है कि इस समय आखिर कोर्ट में क्या चल रहा है, उस लिंक के माध्यम से तो दोस्तों आप लोग बिल्कुल पल पल की लाइव कोर्ट अपडेट्स भी देख पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मिश्रा जी अपनी शेष बहस को पूरी कर रहे थे, उसी समय दोस्तों आपके माननीय पंकज सर ने कहा आज कंप्लीट करूं। मिश्रा जी, पंकज सर कुछ नया सुनने को बोल रहे हैं, ठीक है, सोचने के कुछ नया सुनने को मिलेगा आज। फिर वही पेपर पैटर्न की बात कर रहे थे मिश्रा जी, फिर एनसीटी एक्ट पर चर्चा करते हुए मिश्रा जी, बीएड के 28 जून 2018 के लेटर और आरटीई एक्ट 23(1) के आधार पर बीएड की योग्यता की बात रखते हुए एटीआरई में। फिर दोस्तों एनसीटी इज फिक्स टू पावर मिनिमम क्वालिफिकेशन बट सेंट्रल गवर्नमेंट रिलैक्सेशन टू क्वालिफिकेशन। तो दोस्तों यहां पर इस समय यह चर्चा हो रही थी। फिर दोस्तों 22 अमेंडमेंट पर चर्चा हुई, एनसीटी ने मिनिमम क्वालिफिकेशन में तो ऐड किया लेकिन स्टेट ने नहीं। फिर डिफरेंस बिटवीन ट्रेनी टीचर एंड असिस्टेंट टीचर की दोस्तों बात हो रही थी। फिर इस समय देखिए आपका कोर्ट नाराज है, आप यह सब बोल चुके हो, पंकज सर रोक रहे हैं, 69,000 शिक्षक भर्ती टीम सौरभ राजपूत। फिर दोस्तों बात क्या हो रहा था कि ये सब क्या नाटक कर रहे हो मिश्रा जी, बार बार वही आर्गुमेंट कर रहे हैं, ऐसा पंकज सर ने कहा। फिर दोस्तों 5 बार इसी बात को कह चुके हैं, ऐसा पवार सर कह रहे हैं। ठीक है, पुनः ट्रेनी टीचर का राग मिश्रा जी के द्वारा छेड़ा जा रहा है जज रोकते हुए, इट इज टू मच, डोंट रिपीट यू आर्ग्यूमेंट, इट इज 4 टाइम। बिना कुछ बोले जज साहब उठकर फिर चले जाते हैं, कोर्ट उड़ गई है। तो दोस्त हो सकता है अभी लंच टाइम है, उसके बाद आपका केस सुना जाए। अभी तक दोस्तों यह फाइनल नहीं हुआ कि आज आपकी केस की सुनवाई आगे होगी या नहीं होगी, कि आज इसी जगह आपका केस की सुनवाई समाप्त होती है। तो दोस्तों उसके लिए हमने आपको कमेंट बॉक्स में पूरी मतलब प्रॉपर आपको एक लिंक दे रखा है। अगर दोस्तों केस की सुनवाई आगे जारी रहती है तो आपको पूरी अपडेट्स कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक के माध्यम से मिलती रहेगी। लेकिन दोस्तों आज जस्ट आप काफी गुस्से में दिखे, कि मतलब दोस्तों जस्ट आप जब थक चुके हैं, वो भी चाहते हैं कुछ नया सुनने को मिले। जैसे कि दोस्तों होता है ना, हर रोज हम लोग वही दोस्तों बताते हैं कि बीएड मुद्दा हो गया, कटआप मुद्दा हो गया, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जज साहब आपके कुछ नया सुनने की मांग कर रहे हैं। तो देखने वाली बात होगी कि अब आगे की सुनवाई कैसे होगी। ठीक है, अगर अभी तक आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो रेड कलर की बटन दिख रही है, जिससे आने वाली वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर भी करिएगा। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कि अब आगे क्या हो सकता है। देखिए दोस्तों आज की सुनवाई से एक बात तो स्पष्ट हो जाती है, जस्ट आप दोस्तों जिस मूड में दिख रहे हैं उसके हिसाब से दोस्तों ये केस अब ज्यादा चलने वाला नहीं है। लेकिन दोस्तों आपके शिक्षा मित्र का टीम देख रहे होंगे दोस्तों इस केस को स्लो 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 कर रहे हैं। तो देखिए अब क्या हो गया, बच्चे परेशान वैसे ही हो चुके, साल भर का दोस्तों समय आपका बीत चुका है। जी हाँ दोस्तों, 1 साल का समय तो काफी होता है बीते हुए। तो अब आगे केस की सुनवाई कैसे होगी दोस्तों, इस पर बच्चे भी परेशान है कि जल्द से जल्द दोस्तों ये केस फाइनल हो, डबल बेंच से मामला फाइनल हो। देखिए दोस्तों आपका सब कुछ चेंज हुआ दोस्तों, रोस्टर चेंज हुआ, जैसा आप चेंज होते, लेकिन दोस्तों 60-65 टीम आई दोबारा से और अपना दोस्तों बात कंप्लीट कर लिया। लेकिन दोस्तों फिर से वही 40-45 टीम, अगर 40-45 टीम ने पहले ही सुनवाई सही से की होती, मतलब अपनी बात को अपनी आर्गुमेंट्स को सही से रखा होता, तो अब तक ये सुनवाई दोस्तों कंप्लीट हो चुकी होती, अब तक आपका ऑर्डर भी रिलीज कर दिया गया होता। लेकिन दोस्तों जिस हिसाब से सुनवाई चल रही है उससे दोस्तों एक ही चीज यहाँ पर लग रहा है कि भी आपका केस में काफी दिन बचे हैं। तो दोस्तों बात होती है ना, कोई बात को रिपीट ना की जाए। जी हाँ दोस्तों, अपनी जो बात रखनी हो एक बार कह के उस बात को वहां खत्म करनी चाहिए। देखिए दोस्तों बात क्या की, 5 बार इसी बात को कह चुके हैं, ऐसा पवार सर कह रहे थे। मतलब आप एक ही बात को बार बार रिपीट रिपीट कर रहे हैं, जिससे कि दोस्तों जैसे आप भी अब बोर हो चुके हैं। अगर दोस्तों बार बार आपको यही बोलेंगे, कुछ एक ही बात को दोस्तों बार बार दोहराए, तो आपको भी वही चीज अच्छी नहीं लगती। अगर आप कोई नई पिक्चर देखते तो दोस्तों एक ही बार देखते हैं, हो सकता है 2 बार देख लिया, लेकिन दोस्तों अब आपसे हम गए हर घंटे आप वही पिक्चर देखिए तो आपका भी मन दोस्तों ऊब जाएगा। तो वैसे कुछ जैसा आप भी दोस्तों हुआ कि आज जैसा आप बिना कुछ बोले उठकर चले गए। तो दोस्तों देखने वाली बात होगी कि क्या जैसा आप इस मामले को आज आगे सुनेंगे या यही पर इस मामले को खत्म किया जाए। तो दोस्तों देखने वाली बात होगी, आज की जो अपडेट सारी दोस्तों वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगी आप सभी बच्चों के लिए। तो देखने वाली बात होगी दोस्तों कि कितने दिन में भी ये केस का फाइनल होगा। तो सभी छात्र इंतजार कर रहे हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला जल्द से जल्द फाइनल हो जाए। लेकिन दोस्तों जिस हिसाब से कोर्ट में मामला चल रहा है उससे तो दोस्तों आपको एक ही बात समझ में आ रही होगी कि अभी इस सुनवाई में काफी दिन बचे हैं। मतलब दोस्तों केस एक तरफ से लग नहीं रहा कि बिल्कुल फाइनल मोड पर आ चुका है, अभी दोस्तों ऐसा ही लग रहा है कि अभी आपको कुछ समय तक तो इंतजार करना ही पड़ेगा।
तो दोस्त इस समय की एक और अपडेट आ रही है कि अभी लंच के बाद केस सुना जाएगा या नहीं, अभी कुछ पता नहीं चला है दोस्तों। पंकज सर गुस्सा होकर बीच में चले गए हैं। देखिए दोस्तों, माथुर सर कालिया सर दोनों कोर्ट में आ गए हैं, धैर्य रखे जल्द ही जानकारी दी जाएगी। तो दोस्तों हमने कमेंट बॉक्स में आपको जो प्रॉपर लिंक दे रखा है उस लिंक पर आप चेक करते रहिए, जैसे दोस्तों कोई भी जानकारी आती है सबसे पहले वहां पर हम आपको अपडेट करके बता देंगे। देखिए मिश्रा जी और जज साहब में हॉट टॉक हुआ है, जिस पर जज साहब ने कहा कि आप बार बार वही रिपीटेड आर्गूमेंट कर रहे हैं, जिस पर मिश्रा सर जी ने कहा नो सर दीज आर्गूमेंट आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम अदर पार्ट। इसी बात पर जज साहब झल्लाकर निकल गए कोर्ट रूम से, कोर्ट छोड़कर बीच में ही उड़ गए पंकज सर। बार बार की हिदायत के बाद भी रिपीट आर्गुमेंट मिश्रा जी के द्वारा शेष थोड़ी देर में। तो दोस्तों आपको सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो दोस्तों इस समय की बड़ी अपडेट होगी आप सभी छात्रों के लिए कि इस समय जज साहब आपके थोड़े गुस्सा होकर निकल गए। अब देखने वाली दोस्तों बात होगी कि आपके जज साहब आज हमारा केस 69,000 शिक्षक भर्ती का लंच के बाद सुनेंगे या नहीं। तो दोस्तों ये बहुत ही जरूरी हो जाता है कि आज की सुनवाई पूरी होनी चाहिए। अगर सुनवाई पूरी होगी तभी दोस्तों कम से कम मिश्रा जी का तो सबमिशन यहाँ पर कंप्लीट होगा, नहीं तो फिर समय लगेगा। तो देखिए इस समय दोस्तों मिश्रा जी को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किसी बात को रिपीट ना की जाए। जो भी अपनी फाइनल बात है दोस्तों कुछ ही लाइन में उसको संक्षेप में एक्सप्लेन करके खत्म करना चाहिए, बाकी दोस्तों वो अपनी बात को रिटर्न सबमिशन के द्वारा भी जज साहब के सामने रख सकते। अब देखने वाली दोस्तों बात होगी कि अभी कितनी बहस बची है मिश्रा सर की। अब अगर मामला दोस्तों लंच के बाद टेकअप होगा तो बहुत ही अच्छी बात होगी, नहीं तो दोस्तों फिर छात्रों का ही नुकसान होगा यहाँ पर कि समय लगेगा। दोस्तों मेन बात होती है ना कि यार कितनी और तारीखें मिलेंगी, तो आज 18 तारीख में दोस्तों सुनवाई ज्यादा तो हुई नहीं है। उम्मीद करेंगे दोस्तों की पूरी सुनवाई हो। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करिएगा दोस्तों अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि आज का मामला दोस्तों बहुत ही अलग होता हुआ चल रहा है अभी तक, कि दोस्तों अभी तक यह फाइनल नहीं हो पाया कि आज की जो सुनवाई होगी वो आगे होगी या यहीं पर समाप्त हो रही। ठीक है, तो सारी दोस्तों अपडेट्स आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी हमारे YouTube चैनल के माध्यम से। तो दोस्तों आज वही दोस्तों फिर से हम आपको बता दें क्या क्या बात हुई। पहले तो बीएड मुद्दा दोस्तों उठाया गया। देखिए दोस्तों कुछ मुद्दे बिल्कुल बेमतलब के हैं, आपको पता है कि यार बीएड मुद्दा से कोई लेना देना है ही नहीं, तो बीएड मुद्दे पर अब क्या बात की जाए। ठीक है, बीएड सबको पता है कि 69,000 शिक्षक भर्ती से बाहर नहीं हो सकता, तो मतलब बीएड जब अंदर ही रहने वाला है तो फिर मतलब ही दोस्तों क्या बनता है, यहाँ पर पॉइंट ही क्या है, इस बात को समझना चाहिए। फिर दोस्तों चलिए ठीक है, आप कटाप मुद्दे पर बात कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, जो भी दोस्तों आप कहना चाहे कटाप मुद्दे को लेकर कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों बीएड मुद्दे पर बात करना मतलब समझ रहे हैं आप, सीधे तौर पर यह कह सकते हैं कि केस को और अधिक समय तक फंसाना। तो आज के दोस्तों सुनवाई के बाद तो ऐसा ही लग रहा है कि जज साहब भी अब चाहते हैं कि अभी 69,000 जो शिक्षक भर्ती का मामला है वो जल्द से जल्द दोस्तों फाइनल हो जाए, नहीं तो दोस्तों ऐसे सुनवाई चलती रही तो फिर काफी लंबे समय तक दोस्तों इंतजार करना पड़ेगा। तो दोस्तों इस समय एक और बड़ी अपडेट आ रही है कि आप कोर्ट लंच के बाद ही बैठेगी, संभवतः नए वकील अपना पक्ष रखेंगे, तब तक के लिए आपको इंतजार करना है। जी हाँ दोस्तों, तो अब जो आपकी कोर्ट है दोस्तों वो लंच के बाद ही बैठेगी, और दोस्तों हो सकता है कि नए वकील आपके आर्गुमेंट अपना शुरू करेंगे। लेकिन दोस्तों अपडेट्स के लिए आप लोग हमारे साथ बने रहिए, सारी अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। जी हाँ दोस्तों, ऐसी बात मत सोचिए, कमेंट बॉक्स में जो हमने आपके लिए प्रॉपर लिंक दे रखा है उस लिंक के माध्यम से आपको पल पल की आज की अपडेट्स मिलती रहेंगी, जो 69,000 कोर्ट में दोस्तों सुनवाई चल रही है सब कुछ। ठीक है ना, तो आपको थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना है, और दोस्तों जो हमने कमेंट बॉक्स में आपको लिंक दिया उसको एक चीज काम करना भी होगा, आपको रिफ्रेश करते रहना होगा। जी हाँ दोस्तों, रिफ्रेश अगर नहीं करेंगे तो फिर आपके लिए दिक्कत होगी, रिफ्रेश नहीं करते तो दोस्तों आपको पुरानी अपडेट मिलेगी, फिर आप कहेंगे यार तो नई अपडेट तो आ ही नहीं रही, सब पुरानी अपडेट्स हैं। तो रिफ्रेश का भी काम आपको करते रहना है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों कि आज अगर बिस्तरा सर दोबारा 69,000 सुनवाई मतलब शिक्षक भर्ती में 40-45 का पक्ष रखते हैं दोस्तों उसके बाद, क्योंकि इनका सबमिशन भी यहाँ होना जरूरी होता है दोस्तों, जब तक सबमिशन कंप्लीट नहीं होगा तब तक तो और देरी ही होगी। तो सबमिशन का भी दोस्तों हमें इंतजार करना है कि आज 69,000 शिक्षक भर्ती में मिश्रा सर का फिलहाल कम से कम इनका सबमिशन यहाँ पर कंप्लीट हो। ठीक है, और उसके बाद देखने वाली बात होगी कि कितने दिन और ये केस चल सकता है, क्योंकि दोस्तों पूरी उम्मीद हम लोग कर रहे हैं कि होली से पहले अगर दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती में आपका ऑर्डर रिजर्व हो जाता है, मतलब जो भी डेट दोस्तों मिले उससे बहुत ही फायदा होगा छात्रों को। जैसे दोस्तों आपको पता होगा लास्ट ईयर मार्च के अंत तक दोस्तों आप लोग का ऑर्डर जारी कर दिया गया था, वैसे दोस्तों इस बार भी कुछ ऐसा हो सकता है, लेकिन दोस्तों उसके लिए पहले आपका ऑर्डर जो केस का है ना वो रिजर्व होना भी जरूरी हो जाता है। अगर ऑर्डर रिजर्व नहीं होगा फिर तो दिक्कत ही होगी। तो उम्मीद दोस्तों करते हैं हम लोग कि पहले आपका केस का जो ऑर्डर है वो रिजर्व हो जाए आज, उसके बाद दोस्तों देखेंगे क्या क्या अपडेट है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अभी जैसे कोर्ट की नई सुनवाई शुरू होती है, अगर आज सुनवाई शुरू होगी तो हमारे यूट्यूब चैनल आपके लिए तुरंत लाइव हो जाएगा, तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए। तो दोस्तों हम देखते हैं, चाहते हैं आप लोग को जो वेबसाइट के माध्यम से अपडेट मिलती है वो बिल्कुल लाइव होती है, जैसे आप क्रिकेट मैच देखते हैं ना तो वैसे दोस्तों लाइव अपडेट होती है। तो पहले आप उसको अपडेट को देखा करिए, उसके बाद तो हम पूरा एक्सप्लेन करके आपको बता देंगे वीडियो के माध्यम से कि आखिर आज कोर्ट में क्या हुआ है। ठीक है, तो
तो बस थोड़ी देर बाद दोस्तों लोग फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो वही चैनल को रेड कलर वाला जो बटन दिख रहा है सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।